आज का जो मेरे पास एक्सेल का वर्कशीट है इसके ऊपर मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं। इसमें आप आइटम्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वैल्यूज़ इसलिए लिखी है क्योंकि मैं वैल्यूज़ काउंट कर रहा हूँ। और जैसे आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं यहाँ पे एक साथ, और उसमें बीच में आपके पास यूनिक कौन से नंबर डुप्लीकेट्स हैं और कितने नंबर यूनिक से खाली, उनको अगर आपको काउंट करना है तो उसके लिए आपको फार्मूला ढूंढना पड़ेगा। और अगर आपके पास GTP है तो उसके साथ आप किस तरह इस फार्मूले को निकालेंगे। और मैंने इसको क्वेश्चन ये दिया था, इसने मुझे फार्मूला लिख के दे दिया है कि यूनिक वैल्यूज को किस तरह काउंट करना है आपको। अब इसने मुझे रेंज दे दी अपने पास से A1 से लेके A10 तक की, और हमारी जो रेंज है वो है A2 से लेके A11 तक की, A2 और A11। तो हम इसको बता देंगे, ये हम खुद भी एडिट कर सकते हैं लेकिन हम इसको बता सकते हैं रेंजेस A2 A11। अभी देखिए इसने यहाँ पे A10 किया है, अभी इसको A11 कर देगा। कुछ सोच रहा है बेचारा कि इतना सा काम भी इंसान नहीं कर सकते मेरे आने के बाद। अभी इसने A2 से लेके A11 तक की रेंज दी है। देखिए सम फ्रीक्वेंसी A2 A11, इसको हम कॉपी कर लेंगे और कहीं पे भी पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फार्मूला पर में आके पेस्ट कर दिया, इसने वैल्यूज पिक कर ली। अब इंटर प्रेस कर देंगे 7। देखें 1 दो बार आया, 2 3 बार आया, 1 2 वैल्यू, 3 4 5 6 7। उधर 5 5 कर देंगे तो उधर 6 हो जाएगा। ये देखिए इसने बोला खाली 6 यूनिक्स हैं, बाकी सारे डुप्लीकेट्स को इसने काउंट नहीं किया। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।